फिल्मों में जब सस्पेंस हो तो उसे देखने का मजा आता है और अगर उसके साथ स्टोरी में दम हो तो फिर क्या ही कहने। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही फिल्में लाया हूँ जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपका दिमाग खेल जाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में जिनको देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो नंबर एक पर आती है ऑर्फन। इसमें एक पति पत्नी का जोड़ा होता है जो अपने बच्चे को खो देता है और दुख दूर करने के लिए ये दोनों अनाथ आश्रम से एक 9 साल की बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है जिसमें कॉमन सिर्फ 9 साल की बच्ची होती है। अब दुख दूर करने के चक्कर में ये दोनों और दुखी हो जाते हैं। जी हाँ, दरअसल उनके आसपास एक सीरियल किलर है जिससे इनकी जान को खतरा है। अब वो कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम खुद देख लेना। अब दूसरे नंबर पर है जूलियाज आइज। ये दो मिस्टीरियस बहनों की कहानी है जिसमें से एक की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है और उसकी लाश फांसी के फंदे से लटकी हुई मिलती है। अब इस कहानी में लोचा ये भी है कि जो बची हुई बहन है उसकी आंखों की रोशनी एक बीमारी की वजह से धीरे धीरे करके जा रही है और इसको अंधा होने से पहले अपने बहन के कातिल को ढूंढना है और कोई इसको भी टपकाने की प्लानिंग में है। नंबर थ्री, विंसादा। एक सनकी टाइप का मेकअप आर्टिस्ट है जो पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता और इसीलिए बावड़ा खुद फिल्मों से निकल जाता है। अभी सनकी को इससे भी बड़ा पागल मिलता है। दरअसल एक सीरियल किलर लोगों को मारने के लिए इसके मेकअप की मदद से अपना चेहरा बदलता रहता है और इसका चेहरा सिर्फ इसी सनकी मेकअप आर्टिस्ट को पता होता है। अब आगे क्या होगा। चतुष्कोण। इसमें चार डायरेक्टर को चार कहानियों के साथ इकट्ठा किया जाता है और मजे की बात तो ये है कि चारों कहानियों का एक ही टॉपिक होता है मौत। अब ट्विस्ट ये भी है कि ये चारों अजनबी नहीं है बल्कि पास्ट में बहुत तगड़ा कनेक्शन है इनका। अब इन चारों की कहानियों के अलावा एक और कहानी है जो हमें देखने को मिलेगी। ये फिल्म किसी का भी दिमाग हिला सकती है। नंबर पाँच पर है द इनविजिबल मैन। एक ऐसे कपल्स की स्टोरी है जिनकी आपस में कभी नहीं बनती। अब पति इसी चक्कर में खुद को ही मार डालता है। अब थोड़े वक्त के बाद पत्नी को ये लगने लगता है कि उसके पति ने सिर्फ मरने का नाटक किया है और असलियत में उसने एक ऐसा सूट बनाया है जिससे वो किसी को नजर नहीं आएगा। अब समझे फिल्म का नाम द इनविजिबल मैन क्यों है और अब वो जिंदगी भर अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर करेगा कि वो सुसाइड कर ले। वैसे यार मुझे नहीं लगता कि इनविजिबल होने के बाद दुनिया का कोई भी पति अपनी बीवी के पास जाएगा, समझ रहे हो ना, बस मजाक कर रहा हूँ यार। द अदर्स। इस फिल्म में एक बड़ा सा महल होता है, वो होता है ना गोस्ट हाउस टाइप, बिल्कुल वैसा ही। और इसी भूतिया घर में एक माँ और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो हाल ही में यहाँ परमानेंट शिफ्ट हुए हैं। अब इन बच्चों को इसी घर में कुछ और बच्चे दिखते हैं और इन्हें लगता है कि वो भूत है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो बच्चे जिन्हें ये भूत समझते हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी। तो फिर असली भूत कौन है? इस फिल्म को अगर ध्यान से देखा ना तो दिमाग हिल जाएगा और तुम अपनी जिंदा होने पर भी शक करोगे। वैसे आप इनमें से कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन सभी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को देख सकते हो।